अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम पेज 39 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एलसीएम के क्वेश्चन ही करवाए थे और आज भी हम एलसीएम के ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर के टेबल पर आ जाते हैं। अब आपकी बुक पे पेज 39 पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आगे हैं, उन्होंने ये हमें नंबर दिए हुए हैं तो हम इनको क्या करेंगे कि इस तरह से ये नंबर्स हमने लिख लेने हैं और अब हमने इन नंबर्स को डिवाइड करना है। अब आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती कि इन तीनों नंबर्स को हमने किस से डिवाइड करना है, तो वो हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2, 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि इन प्राइम नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब आपको नहीं पता चलता, जैसे अगर फर्स्ट नंबर मैं देखूँ वो 2 है, कि 28 जो है वो 2 को डिवाइड, 2 जो है वो 28 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 32 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। आप लोगों को नहीं समझ आती तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो डिजिट्स जिनके लास्ट पे यानी वंस की प्लेस पे, सारे नंबर्स की वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है, मतलब वो नंबर चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और सेम इसी तरह वो नंबर्स जिनकी वंस की प्लेस पे 0 और 5 आ जाता है, इट्स मीन कि वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं इसकी वंस की प्लेस पे 8 है, इसकी इस नंबर की वंस की प्लेस पे 2 है और इसकी 0 है, तो ये सारे नंबर्स ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे साइड पे आप वर्किंग कर सकते हैं, 28 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करके देख लें, 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे आ गया, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 14 आ गया। सेम इसी तरह आप 32 को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितने टाइम आ गया, 16 टाइम। अब 40 को भी आप अंदर रख के डिवाइड करके देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4, और ये 0 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 20। अगेन अब इन नंबर्स को डिवाइड करके जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, अगेन इनको आपने डिवाइड करना है, इन नंबर्स को इतना डिवाइड करना है कि ये 1 1 1 बन जाए। तो अब आपने देखना है कि ये अगेन किससे सॉल्व होंगे। अगेन देखें, इसकी वंस की प्लेस पे 0 आ रहा है, इसकी वंस की प्लेस पे 6 आ रहा है, इसकी वंस की प्लेस पे 4 आ रहा है, तो ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगेन हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 जो है वो 14 को 7 टाइम करेगा डिवाइड, और 16 को, मतलब 2 के टेबल पर 16 8 टाइम आता है, और 2 के टेबल पर 20 10 टाइम आता है। अब हमारे पास, अब हमने देखना है कि ये जो अब नंबर्स आए हैं ये किससे डिवाइड होंगे। 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, इसलिए 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, और ये दोनों नंबर 7 के टेबल पर नहीं आएंगे इसलिए हम इनको नीचे उतार लेंगे इसी तरह। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि 8 और 10 किससे डिवाइड होंगे, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। अब हमारे पास ये 4 और 5 आ गया, 4 जो है ये 2 के टेबल पर आएगा और 5 जो है वो 2 के टेबल पर नहीं आएगा, तो हम सिर्फ 4 को ही डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, और 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा। अब 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इनके अलग अलग टेबल पर देंगे, 2 1 ज़ा 2, और 5 इस स्टेप में ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब लास्ट स्टेप में हम 5 का पार्ट देते हैं टेबल, फाइव वन ज़ा फाइव, तो ये हमारे पास अब आगे हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आगे हैं। तो इन नंबर्स को इस तरह से हमने लिख लेना है। अब इन नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यहाँ तक आपका 7 से मल्टीप्लाई करके 28 आया है। 28 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, यहाँ देख सकते हैं मैंने जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। अब इस 56 को हम अगेन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले 2 से, तो हमारे पास 112 आएगा, और 112 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा, और जब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1120 जो है एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे हमने जिस नंबर से डिवाइड करना है वो प्राइम के अलावा कोई नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने जिन नंबर से डिवाइड किया है वो सारे ही नंबर्स प्राइम हैं, और जब ये हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएंगे और नीचे वन 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 बनना ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो कि आपके पास एक वन आता है और बाकी नंबर्स को आपने वन बनाया ही नहीं होता, और उसको आप आगे से उसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हो। जब तक एंड पे तीनों वन नहीं आ जाते तब तक आपने इसको सॉल्व करते रहना है, और सॉल्व किससे करना है, प्राइम नंबर से ही करना है।